भाई आप में से कई लोग कह रहे थे कि नई वाली जो करिश्मा है इस पर एक वीडियो लेकर आई है, तो आपकी फरमाइश पे आज ये वीडियो लेकर आए हैं। इसे आप मिनी रिव्यू कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बहुत शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसके बाद आप ये खुद तय कर लेंगे कि ये जो नई करिश्मा है आपके लिए कैसी है। इंजन से शुरू करते हैं और बात करते हैं बाइक चलने में कैसी है, तो इसमें 210 सीसी का इंजन दिया गया है। इस इंजन को हीरो ने खुद ब खुद बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले गियर में, जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो ये 47 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है। चौथे गियर में 100 से 110 की रफ्तार आसानी से पकड़ लेती है। 100 की रफ्तार बहुत ही मक्खन पकड़ती है, यानी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप 100 से 120 चलेंगे तब भी स्मूथ है, लेकिन जैसे आप 120 से ऊपर बढ़ेंगे और 140 तक जाएंगे ना, तो ऐसा लगता है कि बाइक पे थोड़ा सा जुल्म किया जा रहा है, ज़बरदस्ती की जा रही है, तब बाइक चल रही है क्योंकि थोड़ा सा समय लगाती है 120 से 140 जाने में। 140 से जब आप ऊपर पहुंचोगे तो भाई बाइक कांपने लगती है। 145 तक हमने इसे चलाया है और मुझे लगता है कि 100 से 120 की स्पीड इस बाइक के लिए ना बहुत ही काफ़ी है, आपके लिए भी बहुत काफ़ी है। बात करते हैं बाइक ट्रैफिक में कैसे चलती है। इसका लो एंड टॉर्क ना इतना कमाल का है कि आप तीसरे गियर में पूरे ट्रैफिक को निकाल सकते हैं सिटी में, यानी तीसरे गियर में आप 25 से 35 की रफ्तार आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपको गियर चेंज करने की भी जरूरत नहीं। ट्रैफिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो सिटी के लिए तो ये बाइक बहुत ही बेहतर है। सस्पेंशन की बात करें तो पीछे 6 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब मैंने इसे चलाया तो मुझे लगा कि इसका जो पीछे का सस्पेंशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, हालांकि जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ना स्टिफ है, लेकिन पीछे का तो भाई बहुत ही मक्खन है, थोड़ा सा अंतर है। ब्रेक में ना कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है, फ्रंट का जो ब्रेक है वो बहुत ही बेहतर लगता है, पीछे का जो ब्रेक है ना वो थोड़ा सा एवरेज है। दोनों तरफ आपको पेटल डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही बेहतर काम करता है, पीछे का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एवरेज है। बात करें सेफ्टी की, कितनी सुरक्षित ये बाइक है, तो इसका जो ABS है ना वो फ्रंट में बहुत ही तगड़ा काम करता है। मतलब अगर मैं इस बाइक पर बैठूं और अचानक से पैनिक हो जाए, यानी मैं घबरा जाऊं कि भाई क्या हो गया, कुछ आ गया, अचानक से ब्रेक लगाऊं, तो इसका जो ABS है वो बहुत ही तगड़ा लगता है, तो हाथ में झटका बहुत नहीं लगता है। लेकिन पीछे का जो ब्रेक है, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा सा ना भाई एवरेज है, तो पीछे आपको हल्का सा जर्क पता चलेगा। ओवरऑल अगर ABS की बात करें तो इसका ABS बहुत ही स्मार्ट है, इसको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि भाई कब काम करना है, बहुत ही सही टाइम पे लगता है, आपको उसके लिए कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए। एक फीचर की बात करें तो आप अपने स्मार्टफोन को ब्लूटूथ के जरिए इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर आपको कोई कॉल आएगी तो इसकी स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा किसकी कॉल है। एक चीज़ और, टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिलेगा, यानी बाइक खुद बताएगी कि कितने मीटर बाद आपको मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। बाकी अगर स्क्रीन की बात करें तो थोड़ी सी स्क्रीन मुझे हल्की सी छोटी लगी, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, मज़ा ही आएगा। दो चीज़ें जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री में बता देता हूँ, एक यहाँ पर स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए Type-C पॉइंट मिलता है, और ये देखो ये जो विंड स्क्रीन है यहाँ पर विंडशील्ड इसकी, इसको आप इस बटन के जरिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, आपने इसके बारे में बहुत देख लिया होगा। तो लास्ट में इस बाइक की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे, वो जानते क्या है, ये है बाइक स्पोर्ट्स बाइक है, लेकिन जब आप इसे चलाएंगे ना तो आपको थकान नहीं महसूस होगा, आपको लगेगा नहीं कि भाई ये है, एग्रेसिव स्टांस मिलता है, लेकिन जो बॉडी है आपकी वो बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। लास्ट में आप बोलेंगे भैया इसकी कीमत के बारे में बता दो, तो ये बाइक 3 कलर ऑप्शन में आती है। कंपनी ने जब इसे शुरू में लॉन्च किया था तो इसकी जो इंट्रोडक्टरी कीमत थी वो थी 1,72,000 रुपये, यानी 1.72 लाख रुपीज़ था, जिसकी कीमत बाद में बढ़ गई है। अब ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि एक बार थोड़ा आप गूगल करके बताना कि इसकी अभी एक शोरूम प्राइस क्या है, और अगर आपको इसे ख़रीदना होगा तो इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, जवाब हम इसे कमेंट बॉक्स में छोड़ के जा रहे हैं।